नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 67वीं बीपीएससी के परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद में लगातार बीपीएससी दफ्तर में जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही थी और उसमें तमाम मुद्दों पर जो है वो बात किया जा रहा था कि आखिर किन कारणों से जो है इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई है। वहीं मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान क्या कुछ कर बीपीएससी के सेक्रेटरी, सुन लीजिए। एक्चुअली कल 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, तो हम लोगों ने उसके चेयरमैन हम ही थे कमेटी के, तो हम लोगों का जो इंटरनल रिपोर्ट है कल चेयरमैन साहब को हमने सबमिट कर दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है कल उसको रद्द करते हुए पूरे मामले की साइबर सेल से जांच कराई जाए। और इसके लिए हम लोगों ने कल ही डीजीपी महोदय से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और उसकी सूचना आयोग को भी दें। आज नहीं, कल आई थी। नहीं, आज एक्चुअली 15 तारीख को सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका कुछ एग्ज़ाम मटेरियल उन लोगों को देना था और ब्रीफ करना था। उसी सिलसिले में 20 जिलों के ADM आए हुए थे और अभी तो हम लोग दे भी रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं। हाँ सर, ऐसी जानकारी में अभी ये मिली है कि बीपीएससी कार्यालय में ही वीर कुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कुछ पूछताछ हुई है या कुछ पूछताछ आप लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ जानकारी? नहीं नहीं, मेरे स्तर से कोई पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि हमने सारा मामला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तब जो भी प्रोग्रेस होगा इस संदर्भ में आप लोग पुलिस विभाग से जानकारी मिली है। कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहाँ से वायरल हुआ हो, लेकिन फौरी तौर पर हम यही कह सकते हैं, कंक्रीट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वहीं से आ गया। वो आरा में कोई वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय है, तस्वीरें भी आई थी कि छात्र बहुत हंगामा कर रहे थे, एक कमरे में छात्रों को बिठाकर पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया, इस तरह का आरोप है। बाकी तो जो पुलिस जांच कर रही है उसमें सच्चाई पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या फैब्रिकेटेड है, क्या सही है। अभी साइबर सेल वाले क्या आप लोग के संपर्क में हैं? नहीं, हम लोग के संपर्क में नहीं है, हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं। जो भी अपेक्षाएँ हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आयोग कार्यालय से, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। यू किस लेवल पर जाँच कर रही है, वो क्या दे? अब तो वो बताएंगे कि सिंगल पर जांच कर रहे हैं। हम होपफुल हैं कि यह जांच जो है बहुत जल्द किसी स्तर पर हम लोग पहुँचेंगे और जांच भी बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है बस आधे घंटे का डेवलपमेंट है। किस सेट की परीक्षा? सी सेट का। आपने चेक किया उसको? क्या बिल्कुल किया, जैसे हम लोग को एक ETV के माध्यम से हम लोग को एक सी सेट का क्वेश्चन हम लोग के व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ 11:53 पर, 12:06 पर। तो चूंकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर आता नहीं है, इसलिए जैसे प्राप्त हुआ तो हम लोग उसकी संपुष्टि नहीं किए कि हाँ यह सही है। लेकिन बाद में जब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया था केंद्रों पर, वहाँ से जब उसका हम लोग सत्यापन किए, उसे मिलान किए, तो पाया गया कि वाकई में वही क्वेश्चन सही है। तो हम लोग की रिपोर्ट में भी आया, अब ये तो पुलिस बताएगी हम लोग। कब तक हो जाने की संभावना है, इसके बाद अब आयोग बैठेगी, उसमें निर्णय लगेगी कि कब तक इसको हम लोग कंडक्ट कराएं, लेकिन इसको बहुत जल्दी हम लोग कंडक्ट कराएंगे। क्या ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराया जा सकता है? अभी ऑनलाइन का हम लोग के पास कोई प्लान नहीं है। सेंटर से ही हुआ होगा ये संभावना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर से ही हुआ है। तो सेंटर पर जिम्मेदार कौन होते हैं? सेंटर पर जिम्मेदार वहाँ स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, वो होंगे, जो वहाँ के केंद्राधीक्षक हैं वो होंगे, कस्टोडियन भी तो, और बाकी जो पुलिस जांच करे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी कि इसके लिए कौन कौन लोग जवाब दे हैं। और भी सेंटर से कोई शिकायत आई? नहीं, एक सेंटर छोड़कर बाकी किसी सेंटर से कोई शिकायत नहीं मिली है। कितने मिनट पहले आ गया लोगों के मोबाइल पर, जानकारी मिली होगी? अब तो आप लोग बताइएगा, हमको तो सबसे पहले आया है 11:53 पर। कहाँ से आया? ETV में। तो कैसे सर, आपको जानकारी कब मिली हुई थी कि पेपर लीक हुआ है? हमको 11:53 में। किसके माध्यम से जानकारी मिली थी सर? ये ETV का कोई वायरल हुआ था, वहीं हमको फॉरवर्ड किया था। सर किस सेंटर से ये पेपर? स्पेसिफिक सेंटर का मामला उसमें नहीं था, कहीं से वायरल हुआ था। जांच किस तरह की? जांच हम लोगों ने साइबर सेल को हैंड ओवर कर दिया है, साइबर सेल इस पूरे प्रकरण की जाँच करेगी और जाँच के उपरांत पता ही चल जाएगा कि कहाँ से लीक हुआ है, उसके लिए कौन कौन दोषी हैं, उसके फलाफल से हम भी अवगत हो जाएंगे, आप भी अवगत। सर, आरा यूनिवर्सिटी से जो पेपर हुआ था वो वहाँ पर थोड़ा विवाद भी हुआ, हंगामे भी हुआ, कारण क्या था सर? अब चूंकि क्या प्रिंसिपल को EOU में बुलाया गया तो मैं इसके बारे में मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सर आरा यूनिवर्सिटी में जो पेपर लीक हुआ था उससे पहले कुछ हंगामे भी हुए थे वहाँ पर, क्या कुछ वहाँ पर थी, क्यों हुआ था हंगामा? नहीं, ये सब जो है आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी मिली, हम लोग वहाँ गए नहीं थे, जो भी जानकारी मिली हम लोग कहीं पर जानकारी मिली है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो क्लिप मिला है या जो कमेंट्स आए हैं उसको देखने से लगता है कि थोड़ी सी वहाँ अव्यवस्था हुई थी। सर तो क्या लगता है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं? अब तो जो जांच टीम है वो बताएगी ना, मैं नहीं बता सकता हूँ। यू के कितना मदद करिएगा आप लोग जो जांच कर रही होती है? यू यू को हमसे जो भी सहयोग चाहिए हम सहयोग करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम पूरा इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेंगे। सर सूचना मिली है कि बीपीएससी कार्यालय में आरआई यूनिवर्सिटी के जो कुछ जो चार लोग हैं उनसे पूछताछ हो गया, हो गया आप लोग के लिए, हो गया जाँच हो रही है सर? क्या बीपीएससी कार्यालय में ईओई की जो टीम है जो आरआई यूनिवर्सिटी के जो जहाँ पेपर लीक का मामला आया कुछ लोग आए उनसे पूछताछ हो रही है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लगभग कितने समय लगेंगे? अब तो ये साइबर सेल बताएगा ना मेरे पास। सर एग्जाम कब तक हो जाएगा फिर से दोबारा? बहुत जल्द हम लोग एग्जाम कराएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहें, उनका दावा है कि जल्द ही इन सारी प्रक्रिया पर जो है वो निजात जो है वो किया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावे किए हैं कि जो आर्थिक अपराध इकाई को जो सौंपा गया है जिम्मा वो भी इस पर जांच जो है वो कर रही है और जो दोषी होंगे उस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल हम है बीपीएससी दफ्तर के बाहर और जहाँ मीटिंग चल रही थी मीटिंग के दौरान जो है मीडियाकर्मी से बातचीत जो है जो सेक्रेटरी हैं वो किए, उनका साफ तौर से कहना है कि जल्द ही इन सारी प्रक्रिया को जो है वो सुलझा लिया जाएगा और परीक्षा की तिथि जो है वो भी निर्धारित किया जाएगा, जो गलतियां हुई हैं जो चूक हुई हैं उसमें भी सुधार किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसको लेकर जो है वो सियासत भी होना शुरू हो गया है, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जो जो ये जो मामला सामने आया है, मामला सामने आने के बाद में जो है विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सरकार जो खिलवाड़ कर रही है काफ़ी निंदनीय है, और बीपीएससी जो कदम जो इस तरीके का जो काम किया है वो सरकार को कहीं ना कहीं जो है वो इन सारी बातों को जो है वो मालूम था पहले से ही, अब बीपीएससी का जो है नाम भी बदल देना चाहिए, यानी कि कई तरह के जो है वो बीपीएससी पर आरोप लगा रहा है विपक्ष और साथ ही साथ सरकार पर भी हमलावर है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी उसमें क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं, क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।